Today we are going to learn English pedagogy. This is first question and also important. The multilingual nature of the Indian classroom must be used as a resource so that what? अगर हम classroom में multilingual nature as a resource इस्तेमाल करते हैं तो क्या? आइए options देखते हैं. A, B, C, D. फर्स्ट है चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस. बच्चे बहुत सारे लैंग्वेजेस सीख सकते हैं. द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. टीचर लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी ला सकते हैं. एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड. हर बच्चा सिक्योर एंड एक्सेप्टेड फील करता है. एवरी चाइल्ड लर्न एट द सेम पेस. हर बच्चा एक जैसे ही सीखता है. देखिए लैंग्वेजेस तो नहीं सीख सकते, कुछ वर्ड्स सीख सकते हैं बच्चे और टीचर जो है उनकी लैंग्वेज क्लासरूम में डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि क्लासरूम में बच्चे सीखते हैं. एवरी चाइल्ड फील. बच्चा जब तक सिक्योर फील नहीं करेगा क्लासरूम में तो वो बेहतर तरीके से नहीं सीख सकेगा. तो थर्ड वन इज आंसर सी. एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड. तो इसका आंसर है सी. एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस. एक जैसे बच्चे रोबोट थोड़ी ना है जो कि एक जैसे सीखे. तो इसका आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट स्टार्ट्स विथ पिक्चर्स पोएम्स एंड स्टोरीज एंड एंड्स विथ अल्फाबेट्स इन द एंड. विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट इन लैंग्वेज पेडागॉजी. इसका मतलब देखिए फर्स्ट क्लास की इंग्लिश टेक्स्ट बुक है जो कि स्टार्ट पिक्चर से हो रही, फिर पोएम्स, उसके बाद स्टोरीज एंड एंड्स पे अल्फाबेट्स क्या है दिखाया जा रहा. तो ये जो अरेंजमेंट है ये कौन से अप्रोच के थ्रू है? क्वेश्चन ये है. आइए आंसर देखते हैं. ए टॉप डाउन अप्रोच. B. Language across approach. C. Eclectic approach. D. Bottom up approach. Bottom up जो है छोटे से बड़े की तरफ होता है, नीचे से ऊपर की जानी होता है. Top down ऊपर से नीचे की जानी होता है. Language across curriculum approach जो है हम चाहे कोई भी language सीखे लेकिन हम चाहे जो भी सब्जेक्ट सीखे लेकिन लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दे. एक्लेक्टिक अप्रोच जो है इसमें मिक्सचर होता है, अपना मतलब जो जरूरत के हिसाब से है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अब इसमें जो है पहले पिक्चर्स से स्टार्ट हो रहे, फिर पोएम्स, फिर स्टोरीज और एंड्स में अल्फाबेट्स आ रहे. तो ये टॉप डाउन अप्रोच है. इसका आंसर है टॉप डाउन अप्रोच. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाइल चेकिंग द नोटबुक्स द टीचर ऑब्जर्व दैट अ चाइल्ड हैज रिपीटेडली मेड सम एरर्स इन राइटिंग सच एज रिवर्स इमेज एज बी बी एम डब्ल्यू. द चाइल्ड इज शोइंग द साइन ऑफ व्हाट. एज अ टीचर जब हम बच्चे की नोटबुक चेक करते हैं तो बच्चा जो है बार बार गलती कर रहा है. रिपीटेडली मतलब एक बार करके, एक बार कभी कभार हो गया छोड़ दे ऐसा नहीं, बार बार वही गलती कर रहा है. वो गलती क्या है? बी को डी लिख रहा है, एम को डब्ल्यू. जैसे कि एम ए डी मैड, बी ए एम बैम, ऐसा जो वर्ड है उसका उल्टा लिख रहा है. तो ये कौन सी साइन है? ऑप्शन देखते हैं. ए लर्निंग डिसेबिलिटी, बी लर्निंग डिफरेंसेस, सी लर्निंग प्रेफरेंस, डी लर्निंग स्टाइल. देखिए ये डिफरेंसेस तो नहीं है, प्रेफरेंस भी नहीं, स्टाइल भी नहीं हो सकता. ये जो है
लर्निंग डिसेबिलिटी है। क्या है ये? लर्निंग डिसेबिलिटी है। इस तरह के आंसर, लर्निंग डिसेबिलिटी ए है इसका आंसर, जो कि बच्चा बी को डी, एम को डब्ल्यू समझता है। इसका आंसर लर्निंग डिसेबिलिटी है। और भी डिसेबिलिटीज है, जो कि डिसलेक्सिया है, पढ़ने में होती है, और डिसग्राफिया, जो कि लिखने में होती है, और एक एक डिसमॉर्फिया, जिसमें शेप अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, और डिस्ट्रोपिया, जिसमें दुनिया अजीब सी लगती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विथ एक्शंस एंड जेस्टर्स टू क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। आफ्टर दिस शी आस्क देम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी इन ग्रुप्स। व्हाई डू यू थिंक शी आस्क देम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी? क्वेश्चन क्या है? टीचर, एक टीचर है जो कि स्टोरी बोल रहे थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को एक्शंस और जेस्टर्स के साथ। स्टोरी बोलने के बाद में टीचर क्या करे, बच्चों को ग्रुप बनाने के लिए बोले और जो भी स्टोरी उन्हें सुनाए उसको, उसकी पिक्चर्स बनाने के लिए बोले। आपको क्या लगता है कि टीचर ऐसा क्यों बोले होंगे? क्वेश्चन है, ऑप्शन देखते हैं। ए, शी वॉन्टेड टू असिस्ट देयर कॉम्प्रहेंशन ऑफ द स्टोरी। बी, शी वॉन्टेड टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन वाइल ड्राइंग। सी, शी वॉन्टेड टू असिस्ट देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल्स। डी, शी हैड कंप्लीटेड हर लेसन एज पर हर लेसन प्लान, सो शी इंगेज देम इन ड्राइंग। अब इसमें फोर ऑप्शन क्या है? पहला है, टीचर चाह रही थी कि बच्चे कितना समझे स्टोरी, वो देखना चाह रहे थे। और इसमें क्या है, पार्टिसिपेट, ड्राइंग में पार्टिसिपेशन करना बोल के हैं। और इसमें जो है कलरिंग और ड्राइंग में कितना सीखे, शी हैज कंप्लीट। और इस फोर्थ वाला क्या है, टीचर जो है लेसन प्लान के मुताबिक कंप्लीट कर लिए, तो बच्चों को क्या है, ड्राइंग में इंगेज करने के लिए। तो ये तीन भी रिलेवेंट नहीं है, ए वाला इसका आंसर है। शी वॉन्टेड टू असिस्ट देयर कॉम्प्रहेंशन ऑफ द स्टोरी, वो चाह रही थी कि बच्चे कितना समझे स्टोरी के थ्रू, जो भी स्टोरी वो सुने बच्चे उसमें उनको कितना समझ में आया, उसके हिसाब से वो पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते, वो पिक्चर्स को देख के उन्हें असिस्ट कर सकते कि बच्चों को कितना समझ में आया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट फोर वर्ड्स विच आर डैश। तो हम सबसे पहले वोकैबुलरी देखिए, एक्टिव और एक पैसिव होती है। एक्टिव वोकैबुलरी जो है, जो हम ईजी नॉर्मली जिसको हम बार बार यूज करते हैं, एक्टिव वोकैबुलरी, ठीक है। इसका मतलब समझते, इससे पहले ऑप्शन देखते हैं। ए, यूज्ड फ्रीक्वेंटली। बी, फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल। लेक्सिकल का मीनिंग है मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है। सी, यूज्ड ओकेशनली। डी, डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। बोलने में डिफिकल्टी फील होना एक्टिव वोकैबुलरी तो नहीं होती, ये भी रॉन्ग है। यूज्ड ओकेशनली, कोई खास मौके पर यूज करना, जी नहीं। मैं बोली ना कि नॉर्मली हम रेगुलर यूज, जो बार बार रिपीटेडली यूज करते हम, एक्टिव वोकैबुलरी वो है। फोनोलॉजिकल भी नो, इसका राइट आंसर है यूज्ड फ्रीक्वेंटली, बआसानी यूज करना। सगे हम डेली जो बातचीत करते हैं, रेगुलर जो वर्ड्स यूज करते हैं रिपीटेडली, और वो नॉर्मली उसको हम आसानी से बोल सकते हैं, वोकैब उसकी आसान होती है, एक्टिव वोकैबुलरी वो है। इसके नाम से ही इसका आंसर है, तो इसका आंसर ए है, यूज्ड फ्रीक्वेंटली। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।